हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे हमारा 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम दो बेहतरीन टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन रूट्स। क्या होगा? कॉमन रूट्स। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन रूट्स की क्या कंडीशन होती है, ये हमको इस टॉपिक में पता करना है, कॉमन रूट्स। और जो सेकंड टॉपिक आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। बड़ा शानदार टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सेकंड टॉपिक आज का हमारा होने वाला है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, कॉमन रूट्स के साथ, है ना। ये जो शब्द है ना, कॉमन रूट्स, है ना। तो कॉमन का मतलब क्या है कि यार देखो, मिनिमम दो क्वाड्रेटिक तो होनी ही चाहिए, तभी इस कॉमन रूट्स के शब्द का आप मीनिंग निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो यार देखिए, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले लेता हूं मैं। a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि a1 जीरो नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है क्या? a1 जीरो नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो जीरो नहीं होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो हो जाता है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहने की बजाय लीनियर बन जाती है, ठीक है। दूसरी क्वाड्रेटिक ले लेता हूं मैं, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें a2 जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब यार देखिए, दो क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन रूट्स की अगर बात करें तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएं यार, है ना। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिटो सेम होना, डिटो सेम है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मात्र एक रूट ही दोनों में कॉमन हो। और यार ये भी हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई भी रूट कॉमन ना हो, उनमें कॉमन रूट्स हो ही ना। तो देखिए, तीन प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तीन प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे, बोथ द रूट्स आर कॉमन, बोथ द रूट्स आर कॉमन, या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे, ठीक है ना, या फिर मात्र एक रूट ही कॉमन होगा, ओनली वन रूट इन कॉमन, है ना, ओनली वन रूट इन कॉमन, ठीक है ना, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, ठीक है। या फिर यार ये होने वाला है कि दो क्वाड्रेटिक में कोई भी रूट कॉमन ना हो, नो कॉमन रूट, नो कॉमन रूट। अब यार एक बात बताओ, दो क्वाड्रेटिक्स को ना देख के कैसे मालूम चलेगा कि इनमें दो कॉमन रूट्स हैं, या फिर एक ही कॉमन रूट है, या फिर कोई भी कॉमन रूट नहीं है? तो यार देखिए, आप बड़ा सिंपल सा एक तरह इसका आंसर ये दे सकते हैं कि जी दोनों क्वाड्रेटिक के रूट निकाल लो, आप मालूम चल जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, और एक दे दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, है ना। मैं पूछूं कि इन दोनों में बताइए कितने कॉमन रूट्स हैं, तो आप बोलेंगे यार कि रूट्स निकाल लेते हैं, इसको फैक्टराइज किया, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यहाँ रूट्स मिल गए x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ से फैक्टराइजेशन करने पे x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू जीरो मिला, तो यहाँ से अपने को मिला x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, ठीक है। आप बोल दोगे यार देखिए एक रूट कॉमन है, 3 देखिए 3 जो है ऊपर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है, नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट है, तो आप बोल देंगे इस केस में एक ही रूट कॉमन है। बट यार ये आपने तब बताया जब दो क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स निकाले और उसके बाद फिर आपने देख के बताया। अगर मैं कहूँ कि रूट्स ना निकालें आप, है ना, रूट्स ना निकालें आप, सिर्फ कोफिशियंट्स को देख करके, है ना, इनके कोफिशियंट्स को देख करके कोई ऐसी कंडीशन जनरेट करें, कोई ऐसी कंडीशन मुझको बताएं जिससे आपको ये मालूम चल जाए कि हाँ इस क्वाड्रेटिक के दो रूट कॉमन होंगे, या फिर एक रूट कॉमन होगा, कोई कॉमन रूट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, दो रूट्स क्वाड्रेटिक के कॉमन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन तभी होते हैं जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम हो। और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होने का मीनिंग क्या है, इनके जो कोफिशियंट्स है ना, a1
बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, इनके बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसे रिलेशन होनी चाहिए कि अगर ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू, है ना, अगर इनकी वैल्यू सेम है, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू हो जाता है ना यार, तो अपन बोलेंगे दोनों क्वाड्रेटिक सेम है, ठीक है ना। ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, सी वन बाय सी टू सेम होने का मीनिंग देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं अपन। अगर मैं मान लो ये लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और एक लिख देता हूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a1 by a2 1 by 2 है, b1 by b2 ये है आपका 1 by 2, c1 by c2 भी 1 by 2 है। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में देखोगे तो दोनों रूट कॉमन होंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही हैं। आप नोटिस करके देखोगे तो पहले वाली क्वाड्रेटिक को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी क्वाड्रेटिक बना दी, ठीक है। तो यार दोनों रूट कॉमन जब बोले जाए ना, दोनों रूट कॉमन की जब बात करनी हो, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सेम होंगी, डिट्टो सेम होगी, आइडेंटिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, तभी दोनों रूट्स कॉमन होंगे। अदरवाइज दोनों रूट्स कॉमन तो यार कैसे हो सकते हैं। दो क्वाड्रेटिक की जान जो है ना, क्वाड्रेटिक की जान जैसे जादूगर की जान तोते में होती है ना, क्वाड्रेटिक की जान उसके रूट्स में ही तो है। दोनों रूट्स अगर सेम हो गए तो यार क्वाड्रेटिक सेम हो गई ना यार। क्वाड्रेटिक सेम कब होगी यार, जब ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू क्या हो, बराबर हो। तो देखिए एग्जाम्पल भी बता दिया आपको मैंने, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स भी बता दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। अब बात करते हैं वन कॉमन रूट, है ना, एक कॉमन रूट कब होता है, ठीक है। अब नो कॉमन रूट कब होगा यार, नो कॉमन रूट तब होगा जब एक रूट भी कॉमन ना हो और दो रूट भी कॉमन ना हो। हम क्या कर रहे हैं, दो कॉमन रूट की कंडीशन देख ली, दो कॉमन रूट की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आप वन कॉमन रूट की कंडीशन देखिए, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो यार फिर तो बच जाएगा कोई भी कॉमन रूट नहीं होने वाली केस। समझ में आ रही बात आपको। तो कहने का मेरा मतलब यह है, नो कॉमन रूट की कंडीशन बस इतनी सी है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई भी रूट कॉमन नहीं होने वाला। अब यार अपन देखते हैं एक कॉमन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब होता है तब देखते हैं ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू में क्या कंडीशन सामने आती है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, मान लेते हैं अल्फा जो है ना वो कॉमन रूट है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, मान लेते हैं अल्फा जो है ना वो कॉमन रूट है। तो यार अगर अल्फा कॉमन रूट है ना इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता होगा, है ना, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता हो। तो एक्स की जगह अगर मैं अल्फा लिख दूं तो ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन एल्फा प्लस सी वन को जीरो होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। और एल्फा इसका रूट भी है, दोनों का कॉमन है, मतलब दोनों का ही रूट है, तो एल्फा नीचे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए टू एल्फा स्क्वायर, ए टू एल्फा स्क्वायर प्लस बी टू एल्फा प्लस सी टू इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। ध्यान से देखें जरा इनको आप, ठीक है ना। अब यार आपको एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता होगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आई होप आपको मालूम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। नहीं मालूम तो यार मैं बता देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं अपन, टेंथ क्लास में नाइन्थ क्लास में बच्चे सीख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का ना एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, तुम्हारी सुनहरी यादें पिछली क्लासेस की ताजा भी हो जाएंगी, ठीक है। देखिए मेरे पास एक इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, पहली लीनियर इक्वेशन है। दूसरी लीनियर इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशंस में जब एक्स और वाई निकालने हो ना, तो एक एक होता है x डिवाइड बाय फिर इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, b1c2 माइनस c1b2 y डिवाइड बाय c1a2 दिस इनटू दिस a1c2 माइनस a1c2 और वन अपॉन a1b2 माइनस b1a2, है ना। ये होते हैं इक्वल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और x निकाल सकते हो आप,
इन दोनों को कंपेयर करके आप x निकाल सकते हो, x आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे दिस बाय दिस, और y आ जाएगा दिस क्वांटिटी बाय दिस क्वांटिटी, ठीक है। यहां से x और y फाइंड आउट करने का ये जो तरीका है इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैंने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यहां पे इस्तेमाल करने का सोचा, मैं चाहता हूं कि यार यहां पे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करके मैं अल्फा निकाल लूं। आप यूं समझिए ये जो अल्फा स्क्वायर है ये एक्स है, आप यूं समझिए ये जो अल्फा स्क्वायर देखिए, आप बिल्कुल यहां पे नजर गड़ाएं, ये जो अल्फा स्क्वायर है ये एक्स है, और ये जो अल्फा है इसको वाई देखें आप, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। यार अगर आप अल्फा को ना मेरी नजरों से देखोगे तो आपको अल्फा वाई नजर आएगा, और अल्फा स्क्वायर को मेरी नजरों से देखोगे तो ये एक्स नजर आएगा। अल्फा स्क्वायर को मान लो एक्स है, अल्फा को मान लो वाई है, अल्फा स्क्वायर को एक्स, अल्फा को वाई अगर आप मान लोगे ना तो आपको ये जो दो इक्वेशन है बिल्कुल ऐसी नजर आएंगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार बात एकदम सिंपल है, अल्फा स्क्वायर को एक्स मान लें, अल्फा को वाई मान लें, तो यहां से एक्स और वाई निकल जाएगा, एक्स और वाई निकल जाएगा। एक्स कितना है अल्फा स्क्वायर, वाई कितना है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इक्वल टू अल्फा अपॉन, है ना, इक्वल टू अल्फा अपॉन सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। तो यार ये जो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन होती है वन कॉमन रूट की कंडीशन होती है, और वो कॉमन रूट अल्फा अगर निकालना हो, यार तो देखिए यहाँ से वो अल्फा निकल जाता है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो अल्फा अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करके अपन देखें तो यहाँ से देखिए, इन दोनों को आप एक बार देखें तो अल्फा को अगर इधर लेकर के आएंगे ना, तो अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, यहां से अल्फा निकल के आएगा अपना, इसको उधर लेकर के चले गए तो b1c2 माइनस c1b2 अपॉन c1a2 माइनस a1c2, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, यहां से अल्फा निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, यहां से अल्फा निकालोगे तो निकल के आएगा, इसको ले गए उधर तो ये हो गया c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1। यार यहां पे तुम कॉन्सेंट्रेशन मत लूज करो, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए इधर, ठीक है, c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि इन दो का इस्तेमाल करते हुए, है ना, मैंने जो अल्फा निकाला है वो ये आया है, और इन दो का इस्तेमाल करते हुए जो अल्फा निकाला वो ये आया है। अब यार ये दोनों अल्फा ही हैं, तो इसका मतलब इनकी जो वैल्यूज हैं इनको इक्वल होना चाहिए, है ना, लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, हेंस राइट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो भी इक्वल, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को इक्वल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया हेंस, है ना, या यहां पे देखिए इसको इक्वल करेंगे तो मैंने लिख दिया हेंस ये जो क्वांटिटी है ना b1c2 माइनस c1b2 अपॉन c1a2 माइनस a1c2 दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू c1a2 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस b1a2। यहां पे लिखा हुआ है c1a2 माइनस a1c2, ठीक है जी। तो यार अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना तो दिस इनटू दिस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया c1a2 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, दिस इनटू दिस करेंगे तो हो गया a1b2 माइनस b1a2 इनटू b1c2 माइनस c1b2, ठीक है। तो अगर मान लो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी हों
कि इनके A1, B1, C2, A2, B2, C2 ये जो कोफिशियंट्स है ना, ये कोफिशियंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मिले, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मिले तो हम बोल देंगे, तो हम बोल देंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मिले तो हम बोल देंगे कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट तो पक्का कॉमन होगा, एक रूट तो पक्का कॉमन होगा। और यार देखिए ये होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस x का होल स्क्वायर बराबर होते हैं, उस नाते अगर मैं इसको यूं भी लिख दूं ना, a1 c2 माइनस c1 a2, ठीक है ना, इस टर्म को आगे इसको पीछे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। थोड़ा सा अच्छा स्वेटर सी बनाने के लिए हमारे फॉर्मूले में मैंने ऐसा किया है, बाकी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, बाकी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इनको बस यूं करके लिख दिया। तो ये जो हो गई, ये कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट आपने निकाल ली, कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करें, और अगर आपको कभी कॉमन रूट का आपको कॉमन रूट निकालना भी हो तो आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए उस कॉमन रूट को निकाल भी सकते हैं। फिर से बता देता हूं, ये वाले जो कंडीशन है इसी से अगली कंडीशन मैंने जनरेट की है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए आप अल्फा कॉमन रूट निकाल भी सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली बस a1 b1 c1 a2 b2 c2 में कंडीशन चाहिए जिससे आपको ये मालूम चल जाए कि इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है या नहीं है, तो आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। इसको अपने को याद करना है यार, ये याद करना तो बड़ा इजी है ही, अल्फा को सेटिस्फाई कराइए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में और इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए ये स्टेटमेंट लिख दीजिए आप, ठीक है। ये तो याद करना बड़ा इजी है, बनाई भी जा सकती है, लोगों को ये वाली कंडीशन याद करने में थोड़ी समस्या हो जाती है, तो इसको याद करने का एक बड़ा बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ। क्या करो आप ऐसा करो, ऐसे लिखो ए बी सी को एक लाइन में लिखो, आप ए बी सी को एक लाइन में लिखिए आप, ठीक है ना। अब देखिए मैं तो इसको यूं याद करता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है ना वो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, लेफ्ट की जो क्वांटिटी है ना वो ए और सी में रिलेशन लिखी हुई है, ए और सी मतलब a1 c2 c1 a2, है ना, a1 c2 c1 a2 का माइनस बीच में लगा दो, a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर। और राइट में जो क्वांटिटी है ना यार वो इनकी और फिर मल्टीप्लाई में इनकी रिलेशन लिखी हुई है, ए और बी की, है ना, a1 b2 b1 a2, b1 c2 c1 b2। तो इस प्रकार से है ना, ये याद करना बड़ा इजी है कि a और c के बीच में जो है ना रिलेशन लिखी हुई है लेफ्ट में, और राइट वाली जो रिलेशन है उसमें ab और bc की टर्म्स का यूज किया गया है, ठीक है जी। तो ऐसे याद करने में थोड़ा आसानी रहती है, तो यूं एक ऑब्जर्वेशन के साथ याद कर लो तो ठीक रहता है। खैर, तो आई होप आपको कॉमन रूट वाली जो कहानी है वो समझ में आ गई होगी। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पेयर है वो ना तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और ना ही इसको सेटिस्फाई करता हो, तो समझ जाना ना तो उसमें दो रूट कॉमन है, ना उसमें एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, उसमें कोई भी रूट कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन थी दो कॉमन रूट क्वाड्रेटिक में हो तो, और ये कंडीशन है एक कॉमन रूट क्वाड्रेटिक में हो तो, और कॉमन रूट भी अल्फा इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही आपको? तो बहुत ही शानदार। अब देखिए जरा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिया, ये रिवाइज कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को, ठीक है। अब यार देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, है ना। हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस हैं, एक तो है 2x² + 3x - 2 = 0, है ना, ये वाली इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, ठीक है जी। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, दो इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों में ये कहा गया है, दूसरी जो इक्वेशन उसको लिख लिया मैंने यहाँ पे 3x² + 4kx + 2 = 0, ठीक है ना। अपने को ये कहा गया है कि इनमें कॉमन रूट है, तो आप बताइए k की वैल्यू क्या होगी, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी दोनों क्वाड्रेटिक में कॉमन रूट हो जाए। तो यार देखिए सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। देखिए इस क्वाड्रेटिक के रूट निकालते हैं कितने आएंगे, तो रूट निकालने के लिए अपने को इसका फैक्टराइजेशन करना ज़रूरी है, रूट निकालने के लिए इसका फैक्टराइज करना इसका ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए फैक्टराइज कर लिया, ये इसके फैक्टराइजेशन मिले, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो -2 और 1/2, है ना, दो वैल्यूज आई, है ना।
इसने कहा है हैव अ कॉमन रूट, इनमें एक कॉमन रूट है ना, इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में। तो यार इस इक्वेशन के तो दो रूट आ गए, x इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू वन बाई टू। अब दोनों में से कौन सा कॉमन होगा, दोनों ही केसेस लेने पड़ेंगे है ना। पहला केस ले लिया, पहला केस मैंने ले लिया केस वन, केस वन इफ इफ x इक्वल टू माइनस टू इज द कॉमन रूट, x इक्वल टू माइनस वन इज द कॉमन रूट, x इक्वल टू माइनस वन इज द कॉमन रूट, ठीक है। और केस टू ले लिया, केस टू ले लिया इफ x इक्वल टू वन बाई टू इज द कॉमन रूट, इफ x इक्वल टू वन बाई टू इज द कॉमन रूट है ना, x इक्वल टू वन बाई टू कॉमन रूट है, तो दूसरा केस ले लिया। तो यार जब x इक्वल टू माइनस टू कॉमन रूट होगा तो माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा है ना, x इक्वल टू माइनस टू इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो जब सेटिस्फाई करवाओगे तो ये हो गया थ्री इंटू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर के इंटू माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस एट के प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए फोर्टीन, ये हो गया फोर्टीन इक्वल टू एट के, यहाँ से हो गया 8k इक्वल टू 14, और k देखोगे तो ये हो गया 14 बाय 8, बोले तो k हो गया आपका 7 बाय 4, कितना हो गया 7 बाय 4। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 7 बाय 4, एक आंसर तो ये हो गया। और जब मेरा x इक्वल टू 1 बाय 2 कॉमन रूट होगा तो 1 बाय 2 को सेटिस्फाई करवा दें, अगर अपन इसमें x की जगह 1 बाय 2 पुट कर देते हैं, x की जगह पे 1 बाय 2 पुट कर देते, कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैं भी करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो अपने को यार ये हो गया 2k 8 प्लस 3 11 बाय 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k मिल गया माइनस 11 बाय 8, कितना मिल गया अपने को माइनस 11 बाय 8। तो यार एक k तो देखो यहाँ से मिल गया था 7 बाय 4, और एक k माइनस 11 बाय 8 मिल गया, तो k की वैल्यू दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। इसने कहा था कॉमन रूट है दोनों में, तो k की वैल्यू बता दीजिए। मैंने इस क्वाड्रेटिक रूट निकाल के एक बार ये कॉमन ले लिया, फिर ये कॉमन ले लिया, दोनों करस्पोंडिंग k निकाल लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जब मैं बच्चों को देता हूँ तो क्या करते हैं, वो इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं। कौन सी कंडीशन से, ये वाली कंडीशन से, कॉमन रूट की ये कंडीशन मैंने बताई, इसका इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको, इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए भी। कितने लोगों ने ये सोचा था कि इस कंडीशन का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और कितने लोगों ने मेरे कहे बिना ही क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट किया था ये भी मुझको बताएं, और सही हुआ कि नहीं हुआ ये भी मुझको बताएं, ठीक है। तो यार इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आंसर आपके यही आएंगे। मगर जो कॉमन रूट की कंडीशन मैंने, वन कॉमन रूट की कंडीशन मैंने आपको जो बताई है, उसको तभी इस्तेमाल करें जब आपको बिल्कुल यूं लगे यार इसके बिना सवाल होगा ही नहीं, तो बड़ा सिंपल सवाल था, उस कंडीशन का बिना इस्तेमाल किए हुए भी हो जाता है, क्लियर है जी। बेसिक समझ होनी चाहिए आपको क्वाड्रेटिक, है ना, वो कहावत है ना कि सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है ना वो पता है क्या है, वो है ऑब्जर्वेशन पावर और कॉमन सेंस का फॉर्मूला, है ना। मतलब कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन पावर इतने बड़े बड़े काम कर सकती है जो कोई फॉर्मूला नहीं कर सकता। तो यार मैथ्स में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन, ये जो दो सबसे बड़े रामबाण फॉर्मूले हैं ना यार, ये मालूम होने चाहिए, है ना, इनका इस्तेमाल मैथ्स में बखूबी करना चाहिए आपको। चलिए जी मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। सामने देखिए स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है आपके लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। आपने भी सुना होगा इस टॉपिक के बारे में काफ़ी, यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई में तो अक्सर इस टॉपिक से सवाल आते रहते हैं, बहुत बार सवाल आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी ले लीजिए आप, बिट सेट ले लीजिए, जेई ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, इस टॉपिक से अक्सर जो है ना एग्जामिनर सवाल पूछना पसंद करता है, ठीक है। बेहतरीन टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो चलिए लोकेशन ऑफ रूट्स टॉपिक जो है क्या है पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दिस आर्टिकल डील्स विद एन एलिगेंट अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन रूट्स आर लोकेटेड और स्पेसिफाइड ऑन अ नंबर लाइन विद वैरायटी ऑफ कंस्ट्रेंट्स।
ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब रूट्स के बारे में कंस्ट्रेंट्स हों कि यार एक ऐसी क्वाड्रेटिक की चर्चा हो जिसके रूट्स दोनों दो से बड़े हैं या दोनों टू से छोटे हैं या एक टू से बड़ा एक टू से छोटा है, इस प्रकार की अलग अलग कंस्ट्रेंट्स अगर रूट्स पे लगी हो, ये बात समझनी है, अगर अलग अलग कंस्ट्रेंट्स रूट्स पे लगी हो तब ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है ये हमको सीखना है लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है ना। तो मान लो यार हमारे पास ये एक एफ एक्स है, ठीक है ना, खैर यहाँ पे ए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए हमारा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्माइली बना देता हूँ मैं, है ना, यहाँ क्या बना देते हैं अपन, यहाँ स्माइली बना देते हैं, मस्त टॉपिक है, चलो स्माइली बनती भी है यार, एक स्माइली तो बनती है, ये आँखें और ये बना दी स्माइली, मस्त मस्त स्माइली बन गई है ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये बोल रहा था आपको कि इस आर्टिकल में अपन ना इस आर्टिकल में अपन वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनमें जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनके बारे में कुछ कंस्ट्रेंट्स दी हो कि यार ये रूट ऐसा होना चाहिए, ये रूट वैसा होना चाहिए, इस रूट के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी, किसी रूट के बारे में कुछ कंडीशन दे रखी है, तो यार वैसे क्वेश्चन जो है ना वो लोकेशन ऑफ रूट में हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। अब यार देखो बात करते हैं, डायरेक्ट बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक कंडीशन लिखी हुई है, आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है, मैंने कहा है कि बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफिक नंबर डी, दोनों रूट एक नंबर डी से बड़े होने चाहिए, ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे डील करोगे, आइए करते हैं बात। तो यहाँ पे अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे और फिर अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स बनेंगी और उनको कैसे हैंडल करना है ये मैनेजमेंट हमें सीखना है लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो सब यहाँ पे कई टाइप की कंस्ट्रेंट हो सकती हैं, तो जो कॉमन कंस्ट्रेंट्स एग्जाम में आती है ना, जो कॉमन कंस्ट्रेंट्स आती हैं उनको मैंने टाइप वाइज यहाँ पे लिख दिया है, तो टाइप वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स की प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप की प्रॉब्लम कैसी अक्सर पूछी जाती है, वो कॉमन टाइप्स हैं, इन टाइप्स का अगर आपको मालूम चल गया तो फिर कोई भी नई टाइप आ जाए आप उसकी प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हो। सारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको मैंने पांच टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो टाइप नंबर वन में वो प्रॉब्लम आती है जब आपको क्वेश्चन में ये दिया हो व्हेन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ग्रेटर देन अ नंबर डी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है आइए समझते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है सॉरी ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना ये क्वेश्चन के हाँ तबीयत मेरी थोड़ी खराब आज है ना, तबीयत खराब है लेकिन इरादे बुलंद है, ठीक है चलिए देखते हैं। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था इस प्रॉब्लम के थ्रू है ना, इस प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट टाइप की जो कंस्ट्रेंट है ना, इसको कैसे डील किया जाता है। तो यार देखिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर डी है ना, ये डी एक पैरामीटर है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर डी फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सीड द नंबर थ्री है ना, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट तीन से बड़े हो जाएं। तो आप नोट करके देखें, ये कहा ना बोथ रूट्स एक्सीड द नंबर थ्री, ये कंस्ट्रेंड है, ये क्या है कंस्ट्रेंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसी लोकेशन ऑफ रूट्स की जो प्रॉब्लम है ना उनमें कंस्ट्रेंड दी होती है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम फिर सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंड दे रखी है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो थ्री से बड़े होंगे है ना, और इस बात का प्रयोग करते हुए अपने को पैरामीटर डी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके सामने है, ठीक है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन से ही तो आई होगी है ना, बात तो बिल्कुल सही है ना। तो ये किस क्वाड्रेटिक फंक्शन से आई है, ये आई है एफ एक्स इज इक्वल टू है ना, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आई है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी एक्स प्लस
टू माइनस टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से आई है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये जीरो हो जाए, ये फंक्शन जीरो हो जाए उन एक्स पे, उन एक्स पे जो थ्री से बड़े हो। ये बात समझनी है अपने को, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स जीरो हो जाए, मतलब इसके रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, वो रूट्स थ्री से बड़े हो जाए। हमको ऐसा डी चाहिए, हमको ऐसा फंक्शन चाहिए। तो यार दोनों रूट्स थ्री से बड़े होने का मतलब है, यहां पे भी देखिए बात समझनी होगी, दोनों रूट्स थ्री से बड़े इसके तब होंगे जब हम इस फंक्शन का, जब हम इस फंक्शन का ऐसा ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा ग्राफ मतलब ये जो नंबर थ्री है ना, इस नंबर थ्री के राइट साइड में दोनों रूट्स चाहिए। राइट साइड में दोनों रूट्स मतलब तीन से दोनों रूट बड़े चाहिए। तीन से दोनों रूट बड़े तभी मिलेंगे जब थ्री के राइट साइड में दोनों रूट्स होंगे। मतलब फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके जो रूट्स हैं वो थ्री के राइट साइड में लाई करें, है ना। और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखो पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है? पॉजिटिव है। तो नोट करने वाली चीज है, ए जो है इस केस में पॉजिटिव है ना। ए क्या है? पॉजिटिव है। तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा। अपवर्ड ग्राफ डी की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं। डी की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग ग्राफ बन सकते हैं, मगर मुझको ये दोनों नहीं चाहिए। मुझको ऐसे ग्राफ चाहिए, ऐसा डी चाहिए, ऐसा डी चाहिए जो मेरे एफ एक्स का ऐसा ग्राफ बनवा दे। अगर कोई डी मेरे फंक्शन एफ एक्स का ऐसा ग्राफ बनवा देगा, दोनों रूट थ्री के इस तरफ वाला ग्राफ बनवा देगा, तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस कंडीशन को फॉलो करने में। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार ऐसा ग्राफ कब बन सकता है? पहली बात तो देखो, डी जो है ना, डी जो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, डिस्क्रिमिनेंट ऐसा ग्राफ तब बन सकता है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। क्योंकि ऐसा ग्राफ बन गया, मान लो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाएगा, तो दोनों रूट तीन से बड़े नहीं हो पाएंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये समझनी है, डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे तो यार ऐसा ग्राफ भी बन सकता है, मगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो थ्री के इस तरफ ही चाहिए। तो एक और चीज है कि एफ ऑफ थ्री पे, एफ ऑफ थ्री पे फंक्शन की वैल्यू है ना, आप इसको ग्राफ को आगे बढ़ाओगे तो एफ ऑफ थ्री पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। एफ ऑफ थ्री पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, कुछ कंडीशन में लिख रहा हूं। तीसरी कंडीशन क्या है कि आप जो ये जो वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आप देखोगे ना, इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए होता है। तो अगर आप इस ग्राफ को इसी तरफ रखना चाहते हो तो इसके वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी इसी तरफ होना चाहिए, है ना। मतलब इसका जो माइनस बी बाई टू ए है, इसका जो माइनस बी बाई टू ए है, इसका जो माइनस बी बाई टू ए है वो भी बड़ा होना चाहिए थ्री से। ये तीन चीजें होनी चाहिए, है ना। और मैंने यहाँ पे देखिए यही कंडीशन लिखी है, ठीक है। ए पॉजिटिव तो मेरे को गिवन था, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एफ डी मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और माइनस बी बाई टू ए भी मेरा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए डी से। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो करता हुआ मेरा फंक्शन पाया गया, ए जिसका पॉजिटिव है, तो उसके दोनों जो रूट्स होंगे, बोथ द रूट्स जो होंगे वो डी से बड़े होंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू थ्री लेके क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार देखिए, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करती हुई, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फॉलो करता हुआ कोई ग्राफ पाया गया, उस ग्राफ के दोनों रूट्स तीन से बड़े होंगे, तीन से बड़े होंगे, और मुझको उसके करस्पोंडिंग डी चाहिए है, ये क्वेश्चन है। तो तीनों साइमल्टेनियसली फॉलो करने का मतलब है इन तीनों को सेटिस्फाई करने वाले कॉमन डी चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन डी चाहिए, मतलब इन तीनों कंडीशंस का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन ऑफ these three conditions will be our answer. these three conditions will be our answer. हमारा आंसर होगा, इन तीन conditions का जो intersection होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहली condition को solve करते हैं, d greater than equal to zero, पहली condition को solve करते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मीनिंग है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर कितना है? माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए वन है, सी कितना है? सी है टू माइनस टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर।
टू माइनस टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर, ठीक है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 36 डी स्क्वायर है ना माइनस एट, माइनस एट प्लस प्लस एट डी, प्लस एट डी माइनस 36 डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो गए कैंसल। तो यहाँ से आ गया आपने पास, यहाँ से आ गया आपने पास, उधर लेकर के गए तो 8d है ना, या यहाँ पे इधर ले गए माइनस एट को उधर ले गए तो आ गया 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो यहाँ से आ गया d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या आ गया, यहाँ से कंडीशन जनरेट होगी अपनी d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन को सॉल्व करते हैं, f ऑफ 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। f ऑफ 3 पॉजिटिव होने से क्या होगा, ऐसे ग्राफ बनने बंद हो जाएंगे क्योंकि इनका f ऑफ 3 नेगेटिव है। क्या है, f ऑफ 3 नेगेटिव है, तो ग्राफ जो है इसके नीचे से होकर के नहीं जाएंगे, ग्राफ या तो ऐसे रहेंगे या फिर ऐसे रहेंगे। और ये कंडीशन लगाने से, ये कंडीशन लगाने से फिर ये ग्राफ बनने भी बंद हो जाएंगे क्योंकि मैंने कहा कि वर्टेक्स 3 से राइट में होना चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन लगाने से सिर्फ ऐसे ही ग्राफ बनेंगे। खैर, दूसरी कंडीशन है f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 है ना, एफ एक्स मेरा ये है, x की जगह 3 डाल दें, x की जगह सब जगह 3 डाल दें तो मेरा f ऑफ 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो f ऑफ 3 कितना हो गया है ना, दूसरी कंडीशन है f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो f ऑफ 3 देखें तो यार 3 स्क्वायर 9 माइनस, यहाँ पे 3 डालेंगे तो 18d माइनस 18d प्लस प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया f ऑफ 3 है ना, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो यार देखिए ये हो गया प्लस 9d स्क्वायर है ना माइनस 18d माइनस 2d माइनस 20d, 9 और 2 हो गया 11 इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। फैक्टराइज करते हैं तो ये हो गया 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 9d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए d कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में, तो 9d माइनस 11 कॉमन आ गया, इनमें माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 9d माइनस 11 इधर आ गया, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में देखा तो 9d माइनस 11 वाली ब्रैकेट कॉमन हो गई, 9d माइनस 11 वाले ब्रैकेट कॉमन हो गई, और यहाँ पे आ गया d माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन यार d में ये आ चुकी है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 3। माइनस b बाई 2a कितना होगा भाई, ये है अपना b, ठीक है, तो माइनस ऑफ दिस बाई 2a, माइनस b बाई 2a, तो ये हो गया माइनस b बाई 2a, a मेरा 1 है, ये 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है जी, इसका मीनिंग है 2, 3 जा 6, 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसका मीनिंग है d पॉजिटिव होना चाहिए, d क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो यार तीनों में देखिए कॉमन क्या होगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं है ना, देखो इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे, और इसके आंसर्स को भी नंबर लाइन पे बनाएंगे, तीनों के आंसर्स को नंबर लाइन पे बनाएंगे, ठीक है। सेंटर में 0 है यार, ठीक है, ये देख लीजिए सेंटर में 0 है, ठीक है, सेंटर में क्या है, 0 है, करेक्ट है जी। अब यहाँ पे कह रहे हो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब d 1 या फिर 1 हो सकता है, इंक्लूड को मैं डार्क कर देता हूँ, या 1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरे केस में 9d माइनस 11 इंटू d माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखिए ये ब्रैकेट 0 होती है 11 बाय 9 पे है ना, ये ब्रैकेट 0 होती है 11 बाय 9 पे, ये ब्रैकेट 0 होती है 1 पे, ये ब्रैकेट 0 होती है 1 पे। तो यार अगर d को आप 11 बाय 9 से बड़ा लोगे ना, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो अपने को पॉजिटिव ही चाहिए। और अगर आप d को लेते हो 1 से छोटा,
उस केस में दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और अपने को पॉजिटिव चाहिए। तो इस केस के जो d है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11 बाई 9 से इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। और थर्ड केस के जो d है वो है ग्रेटर देन 0, वो क्या है ग्रेटर देन 0। तो यार तीनों केसेस में अगर आप कॉमन देखोगे ना, तीनों केसेस में अगर आप कॉमन देखोगे तो मेरे को लग रहा है कि ध्यान से देखिए ये जो लाइन है ना, इस लाइन के राइट साइड वाला जो पोर्शन है, ये राइट वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको मैंने रेड कर दिया, ये पोर्शन इनका कॉमन है ना। और इस पोर्शन में देखिए 11 बाय 9 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो डी की जो वैल्यूज है ना, डी की वैल्यूज 11 बाय 9 से इन्फिनिटी, डी की वैल्यूज 11 बाय 9 से इन्फिनिटी तीनों कंडीशंस को फॉलो करती है। तीनों कंडीशंस को फॉलो करने वाली ही क्वाड्रेटिक ऐसी होगी जिसके दोनों रूट्स 3 से बड़े होंगे। यही सवाल पूछा था कि हमको वो डी बता दो, वो डी बता दो जिसमें इस क्वाड्रेटिक के रूट तीनों, इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 3 से बड़े हों, ठीक है जी। तो यार लोकेशन ऑफ रूट्स कॉन्सेप्ट की जो है ना, यहाँ पे बात समझनी है अपने को कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कंस्ट्रेंट दी जाएगी, उस कंस्ट्रेंट को मानते हुए हमें कंडीशन जनरेट करनी है, हमें ऐसी कंडीशन जनरेट करनी है जिन कंडीशंस को अगर ये क्वाड्रेटिक फॉलो करेगी तो गिवन रेस्ट्रिक्शन जो है ना रूट्स की वो फॉलो हो जाएगी, ठीक है। और उन कंडीशंस के करस्पोंडिंग जो भी डी होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप के प्रॉब्लम हमने कर लिए जिसमें जिसमें ये कहा गया है कि एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट बड़े हों। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों रूट्स बड़े हों, उस केस में ये तीन कंडीशन लगती हैं और अपने को फिर सवाल सॉल्व करना होता है। ए नेगेटिव होता तो इसी हिसाब से सोच लेते और आगे अपना काम कर लेते, ठीक है। अब मूव करते हैं टाइप टू के प्रॉब्लम्स पे, टाइप टू के प्रॉब्लम्स पे। जैसे सवाल भी आपके सामने है और टाइप टू में क्या कहना चाहता है वो बात भी आपके सामने लिखी हुई है मैंने। देखिए टाइप टू में ये कहा गया है कि अगर रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसी हो कि बोथ रूट्स लाए ऑन आइदर साइड ऑफ फिक्स नंबर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि दोनों रूट आइदर साइड लाए करते हो। आइदर साइड बोले तो अल्ली पल्ली तरफ बोले तो एक इधर है ना, ये जो दो हाथ हैं ये मेरे आइदर साइड्स हैं, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, इनको बैठ से बोलते हैं दे आर ऑन आइदर साइड ऑफ मी, अल्ली पल्ली तरफ, एक दूसरे के ऑपोजिट में है दोनों। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार अगर एस अल्टरनेटिव, इसने इस स्टेटमेंट का इसने अल्टरनेटिव मीनिंग भी लिखा है, वन रूट इज ग्रेटर देन डी, एक रूट डी से बड़ा हो और दूसरा डी से छोटा हो, है ना, ठीक है, दूसरा डी से छोटा हो, है ना। इस बात को यू भी बोल सकते हैं और डी लाइज बिटवीन दी रूट्स, है ना। ये तीन स्टेटमेंट है, यहां पे देखिए तीन स्टेटमेंट है, इनको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, चाहे कोई ऐसे बोल दे या फिर कोई इस प्रकार से बोल दे, बात एक ही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ देखिए, मतलब ये हुआ कि ये एक नंबर है डी, है ना, ये एक नंबर है डी, तो इस डी से एक रूट छोटा और दूसरा बड़ा, है ना। या फिर क्वाड्रेटिक में अगर ए नेगेटिव होना तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए फिर, तो ए पॉजिटिव वाली क्वाड्रेटिक अगर होगी उस केस में एक डी से छोटा, एक डी से बड़ा, एक डी से छोटा रूट तभी होगा जब डी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, डी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, फंक्शन इधर से होके गुजरा हो, डी के नीचे से होके गुजरा हो। तो ए पॉजिटिव में तो कंडीशन मैं बता देता हूं, एफ डी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, एफ डी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर मेरा ए नेगेटिव है ना, ए नेगेटिव है, उस केस में एफ डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर a नेगेटिव है उस केस में एफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर मेरा a जो है पॉजिटिव है उस केस में एफ डी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 2, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो इक्वेशन है किस फंक्शन से आई है, ये x स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8, इस फंक्शन से आई है, ठीक है ना। और अपन चाहते हैं इस फंक्शन का ऐसा ग्राफ बने, कैसा ग्राफ बने,
इस फंक्शन का अगर ए देखोगे ना आप, इसका ए पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ अपन चाहते हैं ऐसा बने, ए पॉजिटिव का अपवर्ड पैराबोला तो बनता ही है, और ये ग्राफ ऐसा चाहिए अपने को, एक रूट दो से बड़ा मिल जाए, दूसरा दो से छोटा मिल जाए, और ये तभी संभव है जब दो पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब फंक्शन का ग्राफ यहाँ नीचे से होकर गुजरे, एफ टू नेगेटिव होना चाहिए, जो के एफ टू नेगेटिव को फॉलो करेगा, है ना, जो क्वाड्रेटिक एफ टू नेगेटिव को फॉलो करेगी वो के हमारे आंसर होंगे, ठीक है, उनके करस्पॉन्डिंग के हमारे आंसर होंगे। तो एफ टू कितना है यार, एफ टू है 4 - k + 1 × 2 + k² + k - 8 < 0। तो यहाँ देखिए ये हो गया के स्क्वायर, है ना, -2k + k - k हो गया यार, ठीक है ना, और ये -2 हो गया, है ना, -2 + 4 = 2, और यहाँ हो गया -6 < 0। तो यार इसको फैक्टराइज करोगे तो k - 3 k + 2 < 0 आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा k - 2 से 3, कितना आ गया k - 2 से 3, है ना, k - 2 से 3। आई होप इनइक्वालिटीज, बेसिक इनइक्वालिटीज आपको सोल्व करनी आती होंगी, और अगर बेसिक इनइक्वालिटीज सोल्व नहीं करनी आती तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इनइक्वालिटीज पे है कम्प्लीटली, उसमें पूरी भन्नाट तरीके से इनइक्वालिटी सिखाऊंगा, तो यार उसमें तुम इनइक्वालिटी सोल्व करना सीख लेना, मजा तुमको आ जाएगा, ठीक है। तो यार देखिए यहाँ पे टाइप नंबर 2 एकदम क्लियर है अपने को, क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, बार बार देखिए चीज़ों को, अगर आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप बार बार जो है देखें, और मुझे कमेंट करके बताएं यार टाइप 1 के बाद बताएं, टाइप 1 समझ में आई क्या, टाइप 2 समझ में आई क्या, ऐसे करते हो आगे की टाइप्स आपको समझ में आई आ रही हैं, साथ के साथ मुझे साथ के साथ कमेंट करते हुए बताएं, आप जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, नेक्स्ट टाइप में कहा गया है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल। अगर मान लो कोई एक इंटरवल गिवन हो हमको, जैसे मान लो एक इंटरवल गिवन है, इंटरवल क्या है, ये है डी से ई, है ना, इस इंटरवल के अंदर एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए यार, वो तब हो सकता है या तो ग्राफ ऐसा बने या मेरा ग्राफ जो है वो ऐसा बने, ठीक है, या मेरा ग्राफ ऐसा बने या फिर मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा बने, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ए अगर पॉजिटिव हो तो, ए अगर पॉजिटिव है ना, ए अगर पॉजिटिव है और मैं क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ ax² + bx + c, ठीक है, तो यार ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो सिर्फ एक ऐसे नंबर पे, जो ऑब्वियसली दो रूट तो इसके होंगे ही, बट एक ऐसा नंबर होना चाहिए जहां पे जीरो हो और वो नंबर डी और ई के बीच में लाई करता हो, ठीक है। तो यार उसके लिए क्या होना चाहिए ना, उसके लिए सबसे पहली चीज, तो पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी तो इसका रूट बनेगा, ठीक है, डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना और ए ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्राफ कम से कम डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने के बाद काटना तो शुरू कर ही देगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में भी क्या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्या, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो हो गया मान लो, तो फिर तो ग्राफ टच करना शुरू कर देगा, टच करेगा तो यहाँ पे देखिए कोई भी रूट इसके बीच में नहीं आया, और यहाँ टच कर गया तो भी नहीं आया इसके बीच में, तो इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट डी ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। और यार देखिए इस ग्राफ की अगर खास बात देखो ना, यहाँ पे एफ डी जो है, एफ डी तो नेगेटिव है और एफ ई को देखोगे तो एफ ई पॉजिटिव है, मतलब डी पे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और ई पे देखोगे तो पॉजिटिव है, ठीक है। और इस ग्राफ पे देखोगे तो एफ डी जो है वो तो पॉजिटिव है और एफ ई जो है वो नेगेटिव है ना, ई पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों बातों को देखा जाए, ये दोनों ही बातें, इन दोनों बातों को कंबाइंड करके लिख रहा हूं मैं कि अगर अपने को FD into FE negative मिल जाए तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा, दोनों में से कोई भी ग्राफ हो अपने को चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यार अगर मान लो A पॉजिटिव के साथ ये दो कंडीशन फॉलो करता हुआ कोई पॉलिनोमियल मिल जाए तो उसके करस्पोंडिंग जो पॉलिनोमियल इक्वेशन की होगी उसका एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में लाई करेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट अगर आती है तो उसके करस्पोंडिंग क्वेश्चंस में दो ये कंडीशन लगाएं, एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंडीशन विल बी अवर आंसर, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कंडीशंस
विल बी अवर आंसर। भाई एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं लल्लू लाल कॉन्सेप्ट है ये, तो लोकेशन ऑफ रूट्स जो है ये बिल्कुल भी लल्लू लाल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको यार एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बार बार मेरी बातों को सुने, पीछे करके सेशन को बार बार सुने, मेरी बातों पे गौर करें, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसका मीनिंग निकालने का, समझने का प्रयास करें, बात समझ में आ जाएगी। एफर्ट लगा के समझें, ठीक है ना, एफर्ट लगा के समझें। फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। When both the roots confined between the number d and e, अब की बार ये कह रहा है कि एक एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, और इसका जो a है ना ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं सारी। a क्या है, पॉजिटिव है। अब बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दोनों रूट d और e के बीच में कब लाई करेंगे। तो दोनों रूट बी और डी और ई के बीच में लाई करेंगे, और सबसे पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, डी इनका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि रूट तो पहले रियल हो भाई। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, एफ डी पे भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एफ ई पे भी पॉजिटिव होनी चाहिए। एफ डी पे भी फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए एंड एफ ई पे भी फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो ऐसे ग्राफ भी बन सकते हैं, ये ग्राफ भी देखोगे तो इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एफ डी और एफ ई दोनों पे पॉजिटिव हैं, मगर मुझको बीच में लाना है, तो ये तब हो सकता है जब वर्टेक्स डी और ई के बीच में लाई करता हो, वर्टेक्स डी से बड़ा हो, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से बड़ा हो और ई से छोटा हो। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है पैराबोला के वर्टेक्स का, ये जो वर्टिकल पैराबोला होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए होता है, मैं बता चुका हूँ। वर्टिकल पैराबोला के वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए होता है, इसकी वैल्यू डी से बड़ी होनी चाहिए और ई से छोटी होनी चाहिए। जो पैराबोला इन तीनों बातों को फॉलो करता होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन तीनों बातों को फॉलो करती होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि दोनों रूट्स डी और ई के बीच में ही पाए जाएंगे। इनका इंटरसेक्शन ले लोगे तो आंसर आ जाएगा, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। सो इंटरसेक्शन ऑफ दीज कंडीशंस विल बी अवर आंसर। Intersection of these conditions will be our answer. वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप नंबर 5 पे, फिफ्थ टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। मान लो बात हो रही हो वन रूट इज ग्रेटर देन ई एंड अदर इज लेस देन डी, एक रूट ई से बड़ा और दूसरा रूट डी से छोटा। डी और ई कोई दो नंबर है, यहां पे डी और ई जो है ना कोई दो नंबर है, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और आई एम श्योर आप बात कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसका ए पॉजिटिव है। एक नंबर है आपका डी और दूसरा नंबर है ई, एक नंबर है डी और दूसरा है नंबर ई, यहाँ पे मैं ई ग्रेटर देन डी लिख लेता हूँ, ठीक है, वेयर मान लेते हैं ई जो है डी से बड़ा है, ठीक है, ई डी से बड़ा है, ठीक है। और मैं ले लेता हूँ यार एफ एक्स को, मैं एफ एक्स ले लेता हूं आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। तो मुझे बताएं कि ए बी सी में क्या वो कंडीशंस होंगी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट डी से छोटा हो, है ना, लेस देन डी बोला है, और दूसरा रूट जो है वो ई से ग्रेटर देन हो, मतलब डी से छोटा ये ऐसा कुछ यहाँ पे और ई से बड़ा ऐसा कुछ यहाँ पे। तो यार ये तभी संभव होगा जब क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बने, डी के इधर से आए और ई के इधर से निकल जाए। तो यार ये बड़ा सिंपल है, ये तभी संभव है, ऐसे ग्राफ तभी संभव है जब एफ ऑफ डी नेगेटिव हो एंड एफ ऑफ ई भी नेगेटिव हो, एफ ऑफ डी भी नेगेटिव हो और एफ ऑफ ई भी क्या हो, नेगेटिव हो। एफ ऑफ डी भी नेगेटिव हो और एफ ऑफ ई भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे केस में
ऐसे केस में क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा कि यार वो डी के और ई के बिल्कुल यूं नीचे से ग्राफ जाएगा, और नीचे से ग्राफ जाएगा तो डी तो उसका 100% ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा ना। नीचे से ग्राफ चला गया, दो डिस्टिंक्ट रूट तो होंगे ही, और एक डी से छोटा एक ई से बड़ा होगा। तो यार यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन खुद इसका काम कर देगी। ग्राफ नीचे से गया ही इसलिए है क्योंकि ग्राफ इसके नीचे से गया ही इसलिए है क्योंकि क्योंकि दो रूट इसके रियल थे, और रियल तो हो ही गए, और एक डी से छोटा एक ई से बड़ा, ये सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ग्राफ जब नीचे से जाएगा दो बार काट के ही जाएगा, ठीक है ना। डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हो ही जाएगा, उसका ग्रेटर देन जीरो ही हो जाएगा, इक्वल टू जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई ऐसी स्टेटमेंट बोल दे ये कंस्ट्रेंट रूट पे लगा दे, तो आप ये वाली मैथमेटिकल कंडीशन लगाइए, आपकी ये कंस्ट्रेंट रूट्स के बारे में फॉलो होती मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लिखी थी ना ये वाली, है ना। इस कंडीशन में भी देखिए, इस कंडीशन के अंदर भी ना, इस कंडीशन के अंदर भी डी ग्रेटर देन जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है ना। जब डी के नीचे से ग्राफ जाएगा ना, डी के नीचे से ग्राफ जाएगा या फिर ई के नीचे से ग्राफ जाएगा, तो चाहे ग्राफ ये हो चाहे ये हो, चाहे आप ये कंडीशन लगाएं या फिर ये कंडीशन लगाएं, दोनों ही केसेस में डी ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली डी इसका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो के बारे में लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। सिर्फ ये कंडीशन से जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पांचों की पांचों टाइप्स आपको समझ में आ गई होंगी। और यार इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इस कंडीशन का इस्तेमाल कीजिए। ये होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए और इसका के बताएं मुझको। इसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, ठीक है। और यार इसका जो आंसर है, इसका आंसर मुझको कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट्स जो टॉपिक है उसको मैंने तुमको समझा दिया है, डिलीवर कर दिया है। और यार देखिए, आपको खुद भी काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आप खुद भी काफ़ी अच्छा एफर्ट लगाएं, जो बातें मैंने बताई हैं उनको बार बार देखें, नोट्स अच्छे से बनाएं, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सॉल्व करें, और ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके मुझको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। और आज के इस सेशन में इतना ही, मुस्कुराते हुए हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, और अगले सेशन में फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इनइक्वालिटीज़ के साथ। अगर आपकी इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत भी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फोड़ने आ रहे हैं। तब तक के लिए चलना होगा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।